ये जो रोड आलम देख रहे हैं पीछे, इसमें इतना भीड़ रहता था पिछले साल और आज इतना खाली लग रहा है, लग नहीं रहा है कि दुर्गा पूजा हो रहा है। मुझे पता है कि मैं बहुत दिन के बाद दिख रहा हूँ यूट्यूब पे, वीडियोस पे, उसका एक कारण था, बताऊंगा आगे जाके। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। और आज का जो वीडियो दुर्गा पूजा के ऊपर बेस्ट है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा आ चुकी है, आज दुर्गा पूजा है और ऐसा लग नहीं रहा कि आज दुर्गा पूजा है। क्यों, आप लोग जान रहे हैं कोरोना वायरस है, इसलिए हम लोग बजाज नगर उड़ीसा में उतना अच्छा तरीके से दुर्गा पूजा नहीं हुआ जैसे पिछले साल हर साल से होता था, वैसे नहीं हो रहा है। फिर भी जिस लेवल का दुर्गा पूजा पहले होता था उससे आधा आधा मतलब बहुत कम हो रहा है। तो जो भी हो रहा है आज देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कुछ जगह जाऊंगा और देखते हैं दुर्गा पूजा कैसे हो रहा है, किस लेवल में हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं सीधा पंडाल के पास। तो गाइस पेट्रोल पंप आया हूँ पेट्रोल भरने, और मौसम इतना गर्मी और धूप कर रहा है ना, पता चल जाता है कि दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में भी ऐसे ही मौसम कटता है, गर्मी ह्यूमिडिटी थोड़ा सा, और लगता है दुर्गा पूजा मौसम आ गया है। गाइस पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर के जैसे कि मैं निकला वहाँ से, दुर्गा पूजा होता है उस पंडाल में मैं गया और देखा कि वहाँ पंडाल बंद है, अंदर से पूजा हो रहा था यार, किसी को भी अंदर अलाउ नहीं था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं कैसे भी करके आपको दुर्गा पूजा दिखा के रहूंगा, पंडाल दिखा के रहूंगा, दुर्गा आइडल में दिखा के रहूंगा, कैसे भी करके मैं आपको दिखा के रहूंगा दुर्गा पूजा का पंडाल बजाज नगर का कैसे हो रहा है, छोटा मोटा लेकिन कैसे हो रहा है जरूर से जरूर दिखाऊंगा। चलते हैं किसी नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट पंडाल देखते हैं वहाँ पूजा कैसे हो रहा है, एंट्री होता है कि नहीं होता है। चलिए सीधा। A few moments later. तो गाइस जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि मैं दुर्गा भगवान दिखा के रहूंगा, मूर्ति आइडल दिखा के रहूंगा, और दिखा दिया। तो किशोर और मैं गए थे पंडाल देखने, मूर्ति देखने। और किशोर बता पंडाल कैसे लगा? पंडाल तो था ही नहीं भाई, मतलब जो था अच्छा था, थोड़ा सा काम करके अंदर में मूर्ति को बैठाया गया था, बस उतना ही था, कम था। लेकिन अब कोरोना वायरस तो क्या कर सकते हैं, वायरस था ना, इसीलिए एडजस्ट करके पूजा हुआ है। मतलब पांच जन ही एंट्री था, पांच जन घुस रहे हैं इधर से, और पांच जन जब वहां से निकल एग्जिट पॉइंट से निकल रहे हैं तो दूसरा पांच जन घुस रहे हैं, तो ऐसे हो रहा था। पुलिस वालों भी थे, वो लोग सब मैनेज कर रहे थे। पंडाल जो था पूरा अंधेरा अंधेरा था, इसलिए मैं अंदर में ब्लॉगिंग नहीं किया, बाहर निकल के कर रहा हूँ। पंडाल से बहुत दूर है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, यहाँ पे लाइट देखा इसलिए आ गया। देख सकते हैं जो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, यहाँ पे पहले बहुत रौनक रहता था लेकिन अभी वैसे नहीं है, लॉकडाउन है इसीलिए ठीक हो रहा है जब कर रहे हैं, लेकिन पूजा हो रहा है एटलीस्ट, ये बहुत काफ़ी है। वीडियो इसको मैं पूरा एक वीडियो, एक दिन का वीडियो नहीं है, पूरा दस दिन, तब दशहरा जो होता है पूरा दसवीं दिन तक पूरा शूट करूँगा, एक ही वीडियो ऑल इन वन है। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं पूरा वीडियो मतलब पूरा दुर्गा पूजा का वीडियो एक ही वीडियो में होगा, पहला सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एक ही वीडियो में है। मैं सोचा था कि अलग अलग दिन का वीडियो अलग अलग शूट करूंगा, लेकिन ऐसे पूजा हुआ नहीं, कुछ स्पेशल दिखाने के लिए था नहीं, इसलिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, जैसे तैसे बन रहा है, लेकिन बन रहा है। कल था अष्टमी, आज नवमी, कल है दसवीं। तो अब चलते हैं सीधे दसवीं वाले दिन, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, इसीलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दशहरा। और मुझे अभी कहीं जाना है तो सीधा चलता हूँ वहाँ पे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक वीडियो बहुत ढीला ढाला चल रहा था, तो अभी तो वीडियो को टाइट करने का टाइम आ गया है, अभी इंटरेस्ट बनेगा आप लोगों को, चलते हैं सीधा। तो गाइस अभी हम लोग एक जगह आ चुके हैं, यहाँ पे पंडाल छोटा सा दिख रहा है, ये हिलटॉप है, और यहाँ पे मैं और किशोर दोनों आए जो कल आए थे। किशोर मतलब ये किशोर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, आज देता हूँ, तो ये चाइल्डहुड फ्रेंड मेरा। तो हम दोनों यहाँ पे आज थोड़ा सा पंडाल है, अंदर जाते हैं देखते हैं और इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा। तो गाइस अभी हम जिस जगह गए थे वहाँ पे इतना मस्त और इतना अच्छा, इतना बड़ा ह्यूज टाइप का पूजा होता है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कुछ नहीं, थोड़ा पंडाल है अंदर मूर्ति, लेकिन जो है वो है। पहले ही आप लोगों को बताया कि जो हो रहा है वही काफ़ी है हम लोगों के लिए, और दशहरा जो है दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से मनाया जाता है। मैं आप लोगों को इस बार ज़रूरी था आपको दिखाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टाइप का पूजा हो रहा है, कोई जानता भी नहीं होगा कि पूजा हो भी रही कि नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं तो पता चल ही चुका होगा। तो ये जो रोड आलम देख रहे हैं पीछे, इसमें इतना भीड़ रहता था पिछले साल, वहाँ से यहाँ आने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाता था, वो धीरे धीरे, मैं तो गाड़ी स्टार्ट करता नहीं था, डुला डुला के आता था। और आज इतना खाली लग रहा है,
लग नहीं रहा कि दुर्गा पूजा हो रहा है, मौसम ऐसा है, क्या करेंगे। तो गाइस आप जो पीछे देख रहे हैं गेट, इसके अंदर एक हॉरर प्लेस बोलते हैं वही है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग अच्छा सुनाऊँ, हॉरर भूत होते हैं बहुत, कमेंट करते हैं। तो कमेंट बताइए कि यहाँ पे मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप लोग कमेंट कर देंगे। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट पंडाल की तरफ। कितना खतरनाक दिख रहा है, देख जगह हॉन्टेड प्लेस। ले पकड़ तुम आगे दिखाना। जाते रहा तो ऐसे ही मूड कर देना, अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ इसके वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, स्लो चला रहा हूँ ना, फास्ट हो जाएगा, करेगा पूरा ना। जहाँ से वीडियो का शुरुआत हुआ था एंड भी वहीं से कर रहे हैं, मतलब यहाँ से सप्तमी दिन स्टार्ट किए थे और दसवीं दिन आज से जो खत्म कर रहे हैं। 2 hours later गाइस, ये पहला दुर्गा पूजा था जब मैं रावण जलते हुए नहीं देख पाया। उसे मैं जब गया तो वहाँ पे छोटा सा रावण धूप बनाए हुए थे, जब मैं गया तब वो राख हो चुका था तो देख नहीं पाया, धुआं उठ रहा था बस वही दिखा। उसे मुझे लगता है कि रावण को जलाना नहीं चाहिए, जलाना चाहिए तो बस अपने अंदर के अहंकार को जो रावण में था, अहंकार को जलाना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब सीधा था, दशहरा में अपने अंदर के अहंकार को जला दो, हैप्पी दशहरा हो जाता है। तय कल सुबह, क्योंकि मुझे कुछ बात करना है आप लोगों से, इतना जो हैरेसमेंट वाला दिन था, इतना यहाँ घूमना वहाँ घूमना, इसलिए प्रॉपरली अच्छा तरीके से वीडियो बना नहीं पाया। तो कल सुबह मिलते हैं, कुछ आप लोगों से बात करना जरूरी, तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय। तो गाइस जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि मैं दुर्गा भगवान दिखा के रहूँगा, मूर्ति आइडल दिखा के ही रहूँगा, और दिखा दिया।